आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टूर इंडिया न्यूज पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि सर आप हमको इस टब का डेमो दिखाइए, इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आती हैं आप वो हमको बताइए, इसका प्राइस क्या है, ये सब हमको चीज़ें बताइए। तो मैं आज आपके सामने इन सब चीज़ों को बताऊंगा, इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस टब की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको वीडियो में टब को दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर तरीके से फोल्ड अनफोल्ड कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आती हैं, कैसे एसेसरीज़ को फिक्स करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है कंपनी की टेपिंग लगी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्स करना। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके मिलता है, तो कहीं भी आप अगर दूर भी मंगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बार पूरा फिक्स करके दिखाऊंगा इसको। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बॉक्स में से निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं ये इसके लिड कवर है, बैक कुशन है, पाइप है ड्रेनेज के लिए, ठीक है, हमारा टब है, और ये छोटा सा हेड रेस्ट है। तो अभी मैं आपको ना वन बाय वन इसको कैसे सब कुछ इसमें ज्वाइन करना है सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो करते हैं इसको फिर। इसको मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको फोल्ड और अनफोल्ड कैसे करना है। आपके ये, अब मैं इस साइड पर दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों इसके लेग्स हैं, आपको सबसे पहले ये लेग्स ओपन करने हैं, ठीक है। लेग्स ओपन करने के बाद में आपको सिंपल इसको इस तरीके से सीधा कर देना है, ठीक है। ये आपका फिक्स हो चुका है। बस इसके बाद आपको यहां से इसको नीचे पुश करना है। अब देखिए ये इसकी हाइट जो है पूरी प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका टेम्परेचर सेंसर इसमें लगाई है, टेम्परेचर मीटर जो वर्क कर रहा है अभी। अभी इसमें रूम का टेम्परेचर शो हो रहा है 34 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रूम में यहाँ पे ऊपर गर्मी है। और ये टेम्परेचर मीटर की वायर जा रही है, जो कि पानी जब डालेंगे तो इसमें ये सेंस करती रहेगी, ठीक है। पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस के लिए इस टब को यूज़ करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो टेम्परेचर मीटर होता है। दूसरा होता है आपका गर्म पानी जो इसमें फिल किया जाएगा, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हिम्स ने जो टेम्परेचर रिकमेंड किया है वो 40 डिग्री है, आप उससे ऊपर उसको यूज़ ना करें, ठीक है। मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि 40 डिग्री टेम्परेचर ही टब के अंदर यूज़ करें अपना प्रॉपर, और स्टार्टिंग टाइम जब भी आप यूज़ करें तो कम टाइम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना टाइम जो है बढ़ाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी समर का टाइम है, गर्मी काफ़ी है, 40 डिग्री में आप बैठेंगे घंटे दो घंटे तो थोड़ा सा सफोकेशन फील होती है, गर्मी लगती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है इसको थोड़े टाइम से स्टार्ट करें, 30 मिनट 20 मिनट आपको कंफर्टेबल लगता है, उसके बाद आप धीरे 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 टाइम टू टाइम टाइम को इंक्रीज करते जाएं। अब बाकी की एसेसरीज भी इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेड रेस्ट लगा लेते हैं, जो कि लगेगा यहाँ पे, यहाँ इसके दो होल दिए हुए हैं इस तरीके से, ये लग चुका है, ठीक है। इसके बाद बैक कुशन, देखिए जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है या कोई सीनियर है जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बैठने में प्रॉब्लम हो रही है टब में, तो इसकी सपोर्ट से वो लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखिए इसमें एक ये पाइप भी आता है, ये पाइप हेल्प करता है कि आप जो इसका राइट हैंड साइड वाला जो ड्रेनेज ऑप्शन है उससे आप इसका पानी जो है वो निकाल सकें अपना कहीं भी नाली में, या फिर आपका जैसे फ्लोर पे सिंक या जाली होती है उसमें आप डायरेक्ट अपना पानी टब का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी लोग जिससे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है ये,
ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ये होल है। अब काफ़ी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करके भेजते हैं कि सर पानी जो हमारा लीक कर रहा है या फिर वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वो सही से फिक्स नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ काफ़ी सारे लोग इसको फिक्स करने में गलती करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सही तरीका क्या है। देखिए ये हमारे पास में नॉब आती है इस तरीके से, जो कि हमें जब पैकेजिंग मिलती है उसमें इस तरीके से हमें मिलती है पूरी फिक्स होके। आपको क्या करना है, सिंपल ये जो पार्ट है इसको अलग करना है इस तरीके से, स्क्रू की तरह ये लूज़ हो जाता है इस तरीके से, ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। ये जो ब्लू कलर की ये जो नॉब वाला पार्ट है जो कि प्लग ओपन और बंद हो जाता है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको टब के अंदर से डालना है इस तरीके से। देखिए जब ये बाहर आ जाएगा इसका ये वाला पार्ट, तब ये जो पार्ट है इस साइड से इसमें इस तरीके से टाइट कर देना है, जिस तरीके से लूज़ किया था उसी तरीके से टाइट कर देना है। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा तब आप जो ये पाइप है ये इसमें इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए अब आप जैसे ही इसको अंदर से प्लग इन प्लग को ओपन करेंगे उसी टाइम पे ये पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये भी प्लग नहीं करना चाहते, ओपन नहीं करना चाहते, तो जो बॉटम है आप उसको सिंपल ओपन कर सकते हैं तो उससे पानी निकल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको इस टब के बेनिफिट बताता हूँ। देखिए मेरी वीडियो देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आए कि इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लस जो है इस टब का बेनिफिट ये है कि काफ़ी लोगों को 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक यूज़ करते हुए हो गए, जो कि मेरे को पर्सनली भी कमेंट करके ये बताते हैं कि सर मेरे को इस पे बेनिफिट हुआ, मेरी डायलिसिस जो थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, मैं रेगुलर इस टब को यूज़ कर रहा हूँ या वीक में थ्राइस टाइम जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरी डायलिसिस बंद हो गई है। काफ़ी लोग जो है जिनके जॉइंट पेन था, जिनके बैक में पेन था, उन्होंने भी मेरे को कमेंट में लिख के भेजा कि सर टब को यूज़ करने के बाद, आपकी वीडियो देखने के बाद में हमने ये टब परचेस किया और काफ़ी फ़ायदा हमको मिला है। तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए भी काफ़ी मोटिवेट किया कि सर आप ऐसी वीडियो और बनाते रहिए। तो दोस्तों देखिए आप सबका प्यार है, तो ये जैसे आपका प्यार मेरे को मिलता रहेगा मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। फिल करने से पहले मैं आपको इसको एक बार फोल्ड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी गलती करते हैं इसको फोल्ड करने में, तो इसका क्या प्रॉपर तरीका है इसको फोल्ड करने का वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंड सेकंड चीज़, इसको 100 केजी से नीचे ही पर्सन यूज़ करे और परचेस करे। अगर आपका वेट 100 केजी प्लस है तो मैं कहूँगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको प्रॉब्लम होगी उठने बैठने में, ठीक है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये 100 केजी से नीचे के पर्सन के लिए सूटेबल है जो कंफर्टेबली बैठ सकता है। ऊपर के वेट वाला पर्सन भी इसमें बैठ सकता है लेकिन उसे बैठने में और उठने में प्रॉब्लम होगी, बाकी 100 केजी से नीचे का जो पर्सन होगा उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसमें साइड हेडरेस्ट दे रखे है जिसको आप पकड़ के उठ सकते हैं और बैठ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड करना है। देखिए जब भी आप टब को यूज़ कर लें इस तरीके से आप कर लीजिएगा, इसको करने के बाद में आप सिंपल इसको इस तरीके से उल्टा कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, एक हाथ यहाँ पे रखे एक हाथ यहाँ पे रखे, सिंपल बस इसको नीचे पुश करना है। ये देखिए कितने आराम से फोल्ड हो गया। इसके बाद लेग अपना फोल्ड किए एंड डन। इसके अलावा कोई यहाँ से पुश करता है, कोई यहाँ से पुश करता है, इस तरीके से नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रॉपर तरीका है वो यहाँ से बॉटम में से अपने दोनों हाथ रख के आप नीचे को पुश कीजिए, वो बहुत इजीली पुश हो जाता है। और जो इसका मटेरियल है वो फाइबर मटेरियल है जो कि लॉन्ग लास्टिंग 50 डिग्री तक का आप इसमें गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिम्स जो बताता है वो 40 डिग्री बताता है, तो आप 40 डिग्री ही इसमें पानी रखिएगा क्योंकि 50 डिग्री में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बैठने में, ठीक है। और जो इसका फोल्डेबल मटेरियल है वो PU रबड़ है जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, आप अगर इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो लंबे टाइम तक इसको आप यूज़ कर पाएंगे। अब चलते हैं इस टब को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हम इसमें पानी फिल करेंगे फिर मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, मेरा कितना प्रॉपर पानी इसमें फिल हो जाता है, कितना मैं इसमें बैठ के कितना रिलैक्स फील होता है वो आप खुद देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा टब फिल हो रहा है और
देख सकते हैं आप इसमें टेम्परेचर मीटर जो है मैंने इसमें डाला हुआ है, आप टेम्परेचर का देख सकते हैं 40 डिग्री पानी है और अभी आधा फिल हुआ है, जैसे पूरा फिल हो जाएगा फिर मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा इसमें, तो फिल करने के बाद में देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैंने टब को फिल कर लिया है और मैंने इतना टब फिल कर लिया है, अभी मैं इसमें बैठूंगा तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है, तो मैं इसमें बैठ के देखूंगा। बाकी मैंने लेट से कवर कर दिया है, ठीक है, और अभी मैं इसमें बैठने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो बैठते हैं हम इसके अंदर और ट्राई करते हैं कितना पानी आएगा। पानी वार्म है, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ के साथ दोस्तों मैंने इस अपनी स्क्रीन पर यह नंबर दे दिया है, आप डीलर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और जो डायरेक्ट प्राइस है वो पता कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 10,000 से नीचे है, तो आप बात करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस पता लग जाएगा। बाकी फोल्डेबल टब है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, 18 kg के अराउंड इसका वेट होता है, तो फोल्ड करके आप अगर एक स्टेट से दूसरी जगह दूसरे स्टेट में मूव भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर इससे जुड़ी डाइट प्लान भी चाहिए होगा तो आप डीलर को बता दीजिएगा, वो आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।